हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश फैक्ट्स में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे शीट जू डॉग ब्रीड के बारे में और जानेंगे इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। शीट जू डॉग्स कंपेनियन डॉग्स होते हैं। ये डॉग्स शिकारी डॉग्स या गार्ड डॉग्स नहीं होते, पर ये डॉग्स बहुत फ्रेंडली होते हैं। शीट जू डॉग्स को टॉय ब्रीड भी कहा जाता है। DNA रिसर्च के अनुसार ये डॉग्स दुनिया के 14 प्राचीन नस्लों में से एक है। शीट जू डॉग्स बहुत अडेप्टिव होते हैं। ये डॉग्स अपार्टमेंट से लेकर कंट्री साइड कहीं भी रह सकते हैं। शीट जू डॉग्स को लायन डॉग भी कहते हैं, बट लैसा एप्सो, पग और जैपनीज चिन डॉग ब्रीड्स को भी छोटे शेर की तरह दिखने के लिए ब्रेड किया गया था। शीट जू डॉग को क्रिजांथेमम फूल के जैसे चेहरे वाले डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। इन डॉग्स को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि जब ये डॉग्स पपी होते हैं तो इनके बाल चेहरे और सर पे हर डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, बिल्कुल एक फूल की तरह। शीट जू डॉग्स को बच्चों और दूसरे डॉग्स के साथ खेलना अच्छा लगता है, बट इन डॉग्स को निगरानी की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये डॉग्स अपने से छोटे डॉग्स को एक्सीडेंटली नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इन डॉग्स का नाम बोलने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। इन्हें शीट जू प्रोनाउंस किया जाता है और चाइनीज में शीट जू का मतलब शेर होता है। सन 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से शीट जू डॉग ब्रीड लगभग खत्म हो गई थी। जितने भी शीट जू डॉग आज हम देखते हैं वो सिर्फ बचे हुए 14 डॉग्स से है। शीट जू डॉग ब्रीड्स के पास डबल थिक कोट होता है, जिसमें से बाहर का कोट हार्ड और अंदर का कोट सॉफ्ट होता है। शीट जू डॉग्स को बहुत ब्रशिंग और ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है, जिससे कि उनका कोट अच्छा दिखे। इन डॉग्स को डेली ब्रशिंग चाहिए होती है। अगर इन डॉग्स का कोट थोड़े दिन तक ग्रूम नहीं किया गया तो ये डॉग्स मैटेड दिखेंगे। शीट जू डॉग्स बड़े अलर्ट, फ्रेंडली, प्लेफुल, जिज्ञासु और अपने ओनर के लिए डिवोटेड होते हैं। शीट जू डॉग्स का फेस प्यारा होता है और इन डॉग्स का फेस इन्हें हीट स्ट्रोक के लिए अति संवेदनशील बनाता है। शीट जू को गर्मियों के महीने में एयर कंडीशनिंग में रखना चाहिए। ये डॉग्स कूल क्लाइमेट के लिए अच्छे होते हैं। शीट जू डॉग्स इंसानों की तरह सोते समय खर्राटे लेते हैं। शीट जू डॉग ब्रीड्स के ऊपर एक मिथ भी है। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड बुद्धा के साथ एक शीट जू डॉग था। जब उनका सामना लोटेरो से हुआ तो शीट जू शेर में बदल गया और लोटेरो से लड़ाई की। बुद्धा ने बाद में शीट जू के सर को चूमा। कई शीट जू डॉग्स के माथे पर सफ़ेद स्पॉट होता है जहां लॉर्ड बुद्धा ने चूमा था। शीट जू डॉग ब्रीड्स काफ़ी स्मार्ट होते हैं, बट ये डॉग्स काफ़ी ज़िद्दी भी हो सकते हैं अगर इन डॉग्स को सही ट्रेनिंग ना दी जाए। शीट जू डॉग ब्रीड को ब्रैकिसिफेलिक ब्रीड माना जाता है और इन डॉग्स को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। शीट जू डॉग ब्रीड्स काफ़ी कलर वेरिएंट में अवेलेबल होती है, जैसे कि ब्लैक, डार्क ब्राउन, गोल्ड, वाइट, लिवर एंड वाइट, ब्रिंडल, लाइट ब्राउन, ब्लू और ब्लैक एंड वाइट। शीट जू डॉग ब्रीड्स का लाइफ स्पैन 10 से 20 साल के बीच होता है। मेल का वजन 5 से 8.5 किलो के बीच होता है और मेल्स की हाइट 23 से 28 सेंटीमीटर के बीच होती है, जहां तक कि फीमेल्स का वजन 4.5 किलो से 8 किलो के बीच होता है और फीमेल्स की हाइट 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच होती है। इनका ओरिजिन चाइना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा एपिसोड शीट जू डॉग ब्रीड्स के ऊपर। अगर आपको किसी और डॉग ब्रीड या किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना हो तो कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।